अपने चारों तरफ बहुत से ऐसे चीजें देखते हैं जो कि हम कहते हैं ये प्योर है, जैसे कि घी, मिल्क, एंड मैनी अदर थिंग्स लाइक आयरन, सिल्वर, एंड वी से दैट गोल्ड, दिस इज प्योर गोल्ड. गोल्ड, व्हाट इज प्योर, शुद्ध क्या है? फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स देयर इज नो एनी अडल्ट्रेशन. किसी भी कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मीन्स ये है कि उसमें कोई भी मिलावट ना हो. मीन्स घी, अगर जैसे हम कहते हैं देसी घी, देसी घी में कोई मिलावट नहीं है, ये प्योर घी है. बिकॉज इट इज कम्स फ्रॉम काउज और बफेलोज, ये गाय से है या भैंस से है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये शुद्ध देसी घी है. बट फॉर साइंटिस्ट प्योर सब्सटेंस मीन्स ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स और मेड अप ऑफ ए एलिमेंट और ए कंपाउंड इन ए फिक्स्ड रेशियो. साइंटिस्ट के लिए प्योर सब्सटेंस का मीन्स ये है कि या तो वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो, या फिर उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी फिक्स्ड रेशियो में हो, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है. बट फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर सब्सटेंस मीन्स देयर इज नो एनी अडल्ट्रेशन. प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, प्योर सब्सटेंस अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, और एलिमेंट एंड कंपाउंड. Composition means like H2O. In H2O,
the amount of water, but their ratio always fixed. The molecule of hydrogen is always 2 and molecule of oxygen is always 1. So in water, the ratio of hydrogen and oxygen is fixed. So pure substance have fixed composition. Second is, pure substance have fixed boiling and freezing point. Pure substance का boiling point और freezing point दोनों ही fixed होते हैं. अगर कोई भी pure substance की बात करें, जैसे कि water है, तो water का जो freezing point होता है वो 0 degree Celsius होता है, वो हमेशा 0 degree Celsius पे ही freeze होगा. और boiling point की अगर हम बात करें, तो 100 degree Celsius पे पहुंचने पे ही जो water है वो क्या होता है, वो boil होना शुरू होता है. तो boiling point and freezing point is always fixed. But जो impure substances होते हैं, जो pure substances नहीं होते हैं, उनका कोई भी boiling और melting point fixed नहीं होता है. Boiling point और melting point fixed नहीं होता है, ना freezing point fixed होता है उनका. Third is, pure substance cannot be separated by physical method. जो pure substance है उनको किसी भी physical method से हम अलग नहीं कर सकते. Like उनको हम filtration से, जैसे water है, water में से हम filtration करके चाहे कि hydrogen को अलग कर दें, oxygen को अलग कर दें, it is not possible. Only chemical process we can separate the hydrogen and oxygen from the water. So pure substance does not separated by physical method. In pure substance, does not separated by physical method. Now, what is mixture? Mixture or impure substance. Mixture को हम impure substance भी कहते हैं. तो mixture क्या होता है? Pure substance में जो ratio होता है वो fixed होता है. But in mixtures, mixtures are made up of two or more substances in any proportional. इसमें कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होता. जैसे मिल्क है, मिल्क में हम कितना भी वाटर ऐड कर दें, कितना भी कम करें, कितना भी ज्यादा करें, तो उसमें उसका रेशियो फिक्स नहीं है. और जैसे हम उसमें वाटर को ऐड करेंगे मिल्क में, उसी तरीके से उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, उसी तरीके से वो बॉइल होना शुरू होगा. तो फर्स्ट जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दिस इज इट्स डेफिनेशन. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन. Characteristics of mixture. First is, mixture have no fixed composition.
मिक्सर का कोई भी कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता, कोई भी फिक्स्ड रचना नहीं होती है, इसमें कोई भी जो सब्सटेंस है वो किसी भी रेशियो में होता है। सेकंड इज मिक्सर हैव नो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसका कोई भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, इनको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट मिक्सचर्स बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। In the next video, we will discuss about the pure substance, impure substance, mixtures, and what is solution in detail. जो भी वीडियो हमारी आती है उसमें अगर जैसे ये हमारी वीडियो है इसमें अगर इतना बताया गया तो उसमें नेक्स्ट वीडियो होती है, हम डे बाय डे नेक्स्ट वीडियो में उस सिलेबस को पूरा करते रहते हैं। तो जितनी भी वीडियो है उसको आप देखते रहिए, सबको देखिए, पूरा जो सिलेबस है आपको सारा सिलेबस आपको इसी चैनल पे कराया जाएगा। जो भी आपके कोर्स में आने वाला है उसको सब कुछ कराया जाएगा। तो इस चैनल पे आप जो भी वीडियो आती है उसको कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू।